अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीसे मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। बोधन मुस्तखर पर एक दर्दनाक वाकया पेश आया। कचरे के ढेर में नामालूम बच्चा दस्तियाब होने की बिना पर म्युनिसिपल मुलाजमीन ने हॉस्पिटल को मुंतकल किया। हॉस्पिटल में जेर इलाज नामालूम बच्चा हुआ फौत। स्कैन टीवी से शुरू होने वाला केबल का मैदान बदलते वक्त के साथ मुकाबला करते हुए डिजिटलाइजेशन की सतह पर पहुंचकर तरक्की की जानिब गामजान होकर सामाइन को की अपनी जानिब मुतवज्जे। केबल ऑपरेटर्स की मौके पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में राखी त्योहार तकरीब के पेश नजर खातून मुलाजमी ने कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा को राखी बांधकर दी पुरखलूस मुबारकबाद। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुक्काल मंडल में ग्राम पंचायत इमारत पर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप का मुशाहिदा करते हुए लिया जायजा। अखलती अकामती कॉलेज व स्कूल में एंटी माइनॉरिटी साजिश। जूनियर लेक्चरर्स की 840 जायदादों पर तखर्रात में अखलती उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए। अंग्रेजी के सवालिया पर्चे में तेलुगु में जवाबात के बावजूद आला निशानात, अखलती उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी। सैयद कैसर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुक्काल मंडल में ग्राम पंचायत इमारत पर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप का मुशाहिदा करते हुए लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुक्काल मंडल में ग्राम पंचायत इमारत पर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप का मुशाहिदा करते हुए कहा कि तमाम मेडिकल मुलाजमीन अपनी इज्तिमाही जिम्मेदारी के तहत मौसमी अमराज से मुतासर अवाम को फौरी तौर पर तशफी बख्श इलाज फराहम करने की हिदायत जारी की और बातजा इन्होंने मेडिकल कैंप पले प्रकृति जंगलात नर्सरी व रायतु वेदिका भवन का जायजा लेते हुए कहा कि मौसमी वाक़े तमाम मकानात में मनसूबा के तहत फीवर सर्वे को मुनक्किद करने के लिए कहते हुए बताया कि वबाई मौसमी अमराज के इंसदाद के लिए नालियों की सफाई, ठहरे हुए पानी में मच्छरों के खात्मे के लिए ऑयल बॉल डालने, मच्छरों के खात्मे के लिए दवाओं का छिड़काव, वो कॉलोनियों में सड़कों पर कचरा जमा ना होने के लिए इकदाम करने और मच्छरों से महफूज रहने के लिए हर मुमकिन एहतियाती इकदाम को रुबे अमल में लाने के लिए सरपंच को हिदायत जारी की। योम आशुरा के मद्देनजर सिक्स टाउन हदूद में सीआई रवि व एसआई अंजनेलू ने गश्त करते हुए हालात का जायजा लिया। वो रवायती तौर पर अलम व ताजियों के जुलूस में शिरकत करते हुए अवाम से नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। गुज़िश्ता रोज योम आशुरा व 10 मुहर्रम के मद्देनजर सिक्स टाउन महकमे पुलिस की जानिब से सीआई रवि व एसआई अंजनेलू की क्यादत में महकमे पुलिस का सिक्स टाउन हदूद में काफी बेहतरीन इंतजामात किए गए। इस मौके पर जो रिवायती तौर पर जो अलम व ताजिये निकाले जाते हैं, इस रियाली में इन्होंने शिरकत करते हुए मजहबी रसूमात अंजाम दी और अवाम से अपील की कि वो कोविड के मद्देनजर उसूल व ज़वाबित पर अमल के साथ इस रियाली का इनेकाद करें। इसी तरह बातजा उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रवासाल अवाम की जानिब से काफी अमन के साथ इस रियाली का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तरह इन्होंने आज के दिन के मौके पर तमाम अवाम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज ये मुहर्रम के उसमें हम बंदोबस्त के लिए इधर आए, ये बाबन साहब पहाड़ी, ये मुहर्रम का पिरल जो है बहुत पीसफुल, अपने दोस्तों पूरा अच्छा बहुत क्लियर करें, अच्छा साफ निकाले, वो बंदोबस्त देखने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करें इधर,
बहुत पीसफुल अच्छा हो गया ये बाबन साहब पहाड़ जो भी है। आपको यही है कि अमर से होकर पूरा सराउंडिंग कॉलोनीज भी पूरा घूम के आए, पूरा देख लिए, वो भी अच्छा पीसफुल है एरिया पूरा। यौमे आशूरा के मद्देनजर गुज़िश्ता 20 साल से हज़्बे रिवायत अहले खैर हजरात की जानिब से निज़ामिया हाई स्कूल में ताम का इंतजाम, कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। यौमे आशूरा के मद्देनजर बोधन की निज़ामिया हाई स्कूल में अहले खैर हजरात की जानिब से इफ्तार व ताम का इंतजाम किया गया। इस मौके पर इंतजामिया ने कहा कि वो गुज़िश्ता 20 साल से इस तर्ज पर अवाम की खिदमत करें और आज के दिन की अजमत व इसकी अजमत से इस्तिफादे की नियत से गुरबा व हर आम व खास में ताम का अहतमाम किया जाता है। इस मौके पर मोहम्मद माजिद सर, एडवोकेट वाजिद हुसैन, MD वली समीर, अलीम गौसुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आज निज़ामिया उर्दू हाई स्कूल में यौमे आशूरा के मौके पर गरीब गुरबा में खाने का नज़्म रखा गया है। मुझे सिर्फ 20 साल करते चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंटर परिवार की जानिब से काम और इफ्तार का इंतजाम रखा गया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसा कि 20 साल में अल्फाज बताएँ, हम अल्लाह दुआ गया है कि इंशाल्लाह जो बड़ी बीमारी जो चल रही है आज के दौर दुनिया में, अल्लाह इससे तमाम मुसलमान आलम में निजात फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमें आज के दिन के खैर बरकत के लिए यहाँ पर दावत का अहतमाम करने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामिया हाई स्कूल में यौमे आशूरा के मौके पर तकरीबन 20 साल से शोधा के नाम पर यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है और इसमें सारे मिल्लत के लोग इसमें दामे दामे सदमे सुखन हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के आज के दिन की फजीलत बरकत नसीब फरमाएँ और सैयदुश्शोहदा सैयद इमाम आली मुकाम फज़लुल्लाह शोहदाए करबला का फैज़ उन पर जारी तारी फरमाएँ, सारे बोझन पर नसीब फरमाएँ, सारे आलम को अल्लाह ताला आज के दिन के मौके के सदक़े में बीमारियों से बचाए और ये आज की बीमारियों से नजात दिलाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला अगर इसमें कुछ गलती और खामी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। मौसमी अमराज के मद्देनजर डिवीजन नंबर 33 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से डिवीजन में अर्बन हेल्थ सेंटर अरसापली के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद, अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। शहर में मौसमी अमराज के मद्देनजर डिवीजन नंबर 33 में मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन के क़ियादत में अर्बन हेल्थ सेंटर के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद व घर घर सर्वे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर आतिफ अर्बन हेल्थ सेंटर अरसापली में तमाम मरीजों की तशखीस करते हुए अद्वियात की तकसीम की। इसी तरह मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने अवाम से अपील की कि इस मौसमी अमराज के दौर में अवाम सफाई को तरजीह दे, पानी को भी साफ करके पिए और कोई मसाइल होने पर अर्बन हेल्थ सेंटर से रब्त करे। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में राखी त्योहार के पेश नज़र खातून मुलाजमी ने कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर और चित्रा मिश्रा को राखी बांधकर दी मुबारकबाद। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में राखी त्योहार के पेश नज़र खातून मुलाजमीन ने कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा को राखी बांधते हुए राखी त्योहार के मौके पर पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से ACP दफ्तर में राखी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए प्रजापिता खातून मुलाजमीन व ईश्वरैया यूनिवर्सिटी गायत्री नगर से तल्लुक रखने वाले वनाजा ने ACP वेंकटेश्वर, ASI मुलाजमीन को राखी बांधी व पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। ప్రజాపితా బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం గాయత్రి నగర్ బ్రాంచ్ నుండి సార్స్ వారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది। स्कैन टीवी से शुरू होने वाला केबल का मैदान बदलते वक्त के साथ मुकाबला करते हुए आज डिजिटलाइजेशन तक पहुंचते हुए तरक्की की राह पर गामसान। स्कैन टीवी से शुरू होने वाला केबल का मैदान बदलते वक्त के साथ मुकाबला करते हुए आज
डिजिटलाइजेशन तक पहुँचते हुए तरक्की की जानिब रवा दवा होने के अलावा शायखीन के दिलों में राज कराएं और इस केबल के मैदान में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने वाले अनजानी हाथवे राजशेखर ने शुमाली हिंदुस्तान में अपना एक खास मुकाम हासिल करने के साथ साथ सियासी मैदान में दीगर कायदीन को अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करने के अलावा शुमाली हिंदुस्तान केबल ऑपरेटर संगम के नायब सदर के तौर पर बेहतरीन खदमात अंजाम देते हुए दीगर तमाम तरीन मसाइल को हल करते हुए तारीफें बटोरी। इसी तरह से जिले से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप साहनी ने रियासती MSO संगम और तेलंगाना सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देने के अलावा तेलंगाना तहरीक के दौरान अहम तरीन खिदमात अंजाम देकर अपना एक खास मुकाम बनाने में कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता 40 साल से अवाम को सैर तफरी और दीगर सबक आमोज प्रोग्राम फराहम करते हुए सामाइन के दिलों को फतेह करने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह से केबल ऑपरेटर डे के मौके पर केबल ऑपरेटर्स राम रेड्डी, खुर्शीद, हेमंत, नागराजू, संतोष, कनकैया, नरसिंह राव, नितिन, अजीज ने एक दूसरे को पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। आज का दिन जैसे वुमेंस डे, जैसे फादर्स डे, जैसे मदर्स डे होता है, आज का दिन केबल ऑपरेटर्स का दिन है। इस बात की हमें खुशी है कि एक दिन तो हमें मिला, बाकी कोई सहूलत तो नहीं मिली, मगर केबल ऑपरेटर्स डे मिला। इसकी खुशी में हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में गौर करें, हमें लोन वगैरह दें, हमें दूसरी सहूलतें जिस तरह से दूसरे लोगों को दी जाती है हमें भी दी जाए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेगा स्टार चिरंजीवी ने इनकी अपनी सालगिरह तकरीब 22 अगस्त को होने के बिना पर ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत पौधे लगाकर शजकारी अंजाम देने के लिए पुरसितारों की अपील। राज्यसभा मेंबर जोगिनी पल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत टॉलीवुड मेगा स्टार चिरंजीवी ने इनकी अपनी सालगिरह तकरीब 22 अगस्त के पेश नजर पौधे लगाते हुए अपने चाहने वालों को शजकारी अंजाम देने का ऐलान करते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ्फुज के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी और साफ सुथरी हवा की फराहमी के मकसद के तहत हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह बच्चों की परवरिश की जाती है इसी तरह पौधों की नशोनुमा की जाए और माहौल को खुशगवार बनाया जाए और हर एक फर्द ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाते हुए ट्विटर में टैग करने की ख्वाहिश की और इसी तरह से ग्रीन इंडिया चैलेंज पर शुरू के ट्वीट करने से MP संतोष कुमार ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेगा स्टार की तारीख पैदाइश पर जश्न मनाने से गुरेज करके तमाम चाहने वाले पौधे लगाकर पुरखलूस मुबारकबाद देने का इंकशाफ किया। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की वालिदा रुकमवा के सानह अर्तहाल पर AICC जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मानिकम ठाकुर व प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने मुलाकात करके दिया पुरसा। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की वालिदा रुकमवा का कुछ दिनों पहले सानह अर्तहाल पर AICC जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मानिकम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ रिहायशगाह में मुलाकात करके पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश। अखलती अखामती कॉलेज व स्कूल में एंटी माइनॉरिटी साजिश, जूनियर लेक्चरर्स की 840 जायदादों पर तखर्रात में अखलती उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए। अंग्रेजी के सवालिया पर्चे में तेलुगु में जवाबात के बावजूद आला निशानात अखलती उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी। सैयद खैसर। तेलंगाना अखलती अखामती कॉलेजेस टेमरेस में सारी रियासत तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की 840 जायदादों पर तखर्रात के लिए एलामिया जारी किया गया है। जुमला जायदादों पर मर्द व खातून उम्मीदवारों के तखर्रात अमल में लाए जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना अखलती अखामती कॉलेजेस में एंटी माइनॉरिटी रोश को फरोग दिया जा रहा है, यानी अखलतों के लिए खा करदा इन कॉलेजेस में मखलूआ जायदादों पर गैर अखलती उम्मीदवारों के तखर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। सैयद खैसर साबिका मौन कॉर्पोरेटर इन ख्यालात का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टर टेमरेज बी शफीउल्लाह को मकतूब रवाना करते हुए पुरजोर मुतालबा किया कि अखलती अखामती कॉलेजेस में सिर्फ अखलती लेक्चरर्स के तखर्रात अमल में लाए जाए। इन्होंने याद दहानी कराई कि जिस वक्त अखलती अखामती मदारिस और कॉलेजेस का क्याम अमल में लाया गया था, दाखिलों के लिए घर घर और गली गली गश्त करते हुए उम्मीदवारों को दाखिले की तरगीब दी गई थी, इस उम्मीद पर कि इन अखलती कॉलेज और मदारिस में अखलती उम्मीदवारों को तरजीह दी
जाएगी, लेकिन जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। टीचिंग और नॉन टीचिंग शोबे जात में गैर अखलती उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है, जिससे अखलतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सैद खैसर ने कहा कि इन्होंने 12 गैर अखलती उम्मीदवारों के तकर्रात की मुखालिफत और अहदेदारों को तवज्जो मजबूर कराई है, लेकिन इस मुनज़्ज़िम साजिश के तहत अखलती अकामती कॉलेजेस और मदारिस के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में गैर अखलती उम्मीदवारों को तरजीह देते हुए अखलती तुलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सैद खैसर ने कहा कि जूनियर लेक्चरर्स की मखलूआत जायदादों पर तखर्रात के लिए पीर के दिन इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। गैर अखलती उम्मीदवार अंग्रेजी पर के जवाब तेलुगु जबान में तहरीर करने के बावजूद इन्हें आला निशाना दिए जा रहे हैं, जबकि अखलती उम्मीदवार अंग्रेजी में जवाब तहरीर करने के बावजूद इन्हें कम निशानात के जरिए नाअहल किया जा रहा है। सैद खैसर ने रियासत तेलंगाना के तमाम तुलबा तंजीमों, अखलती कायदीन और अखलती तंजीमों पर जोर दिया कि वो तेलंगाना अखलती अकामती कॉलेजेस में गैर अखलती उम्मीदवारों के तकर्रात पर रोक लगाने के सिलसिले में आ गया है। बसूरत दीगर सरकारी मुलाजिमत की उम्मीद में तालीम हासिल करने वाले अखलती उम्मीदवारों के साथ शदीद नाइंसाफी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अखलती तबके के तुलबा सरकारी मुलाजिमत न मिलने की सूरत हाल में तर्क तालीम की रोज पर गामजान हो जाए। अखलतों के लिए कायम करदा अखलती अकामती कॉलेज और मदारिस में अगर अखलती उम्मीदवारों का तकर्रुर अमल में नहीं लाया जाएगा तो अखलती तुलबा अपनी तहजीब से किस तरह वाकिफ होंगे। सैद खैसर ने इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना और महकमे टेमरेस को याददाश्त हवाले करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। सैद खैसर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम का आगाज करते हुए दलित तबके के लिए कई मराद का ऐलान किया है, लेकिन अखलती महकमे जात में भी अखलतों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सैद खैसर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अखलतों का तनासुब 20-25% है, अगर हुकूमत अखलियतों को नजरअंदाज करेगी तो इसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल जब अमल में आया गया और लोगों को एडमिशन के वास्ते वो तो फिरना पड़ रहा था, उस वक्त निज़ामबाद की कलेक्टर योगिता राणा मैडम थे। हमने मैडम के साथ में और यहाँ के माइनॉरिटी स्टाफ के साथ में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में, हम जाके टीचर्स के साथ में जाके घर घर हम जाके एडमिशन्स कराए, सब वो लोगों को एडमिशन्स कराए, ये सोच के कराए कि हमारे बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन मिले और एम्प्लॉयमेंट भी मिले माइनॉरिटीज़ को। लेकिन आज माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल कॉलेज स्कूल्स के अंदर माइनॉरिटीज़ के स्टाफ नहीं है, बिल्कुल कम स्टाफ है, नेग्लिजिबल स्टाफ है। आज 840 पोस्ट जूनियर लेक्चरर्स का टिमरिस के अंदर नोटिफिकेशन आया और अप्लीकेशन दिए गए, पीर के दिन एग्ज़ाम है। और अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के दोस्तों अनएम्प्लॉय यूथ का अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा 75% माइनॉरिटीज़ को अपॉइंटमेंट किया जाए लेक्चरर्स को और 25% नॉन माइनॉरिटीज़ को किया जाए, तो ये इंसाफ का तकाजा होगा, क्योंकि कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे बच्चों को जो कल्चर नहीं मालूम है, यानी टीचर्स को, लेक्चरर्स को, तो वो कैसा बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, जो इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। कचरे के ढेर में नौमौलूद बच्चा दस्तियाब होने की बिना पर म्यूनिसिपल मुलाजमी ने हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में जेर इलाज नौमौलूद बच्चा हुआ फौत। बोधन मंडल के MS फॉरम से ताल्लुक रखने वाली नाबालिग तुलबा पेट में दर्द के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू होने की बिना पर डॉक्टर्स ने तिबी इमदाद फ्राहम कर तफसीलात हासिल करने के मुतालिक सवालात करने पर गैर यकीनी तौर पर जवाब देने की बिना पर हॉस्पिटल मुलाजमीन की जानिब से हासिल करदा इतलात पर पुलिस मुलाजमीन ने तहकीकात करते हुए कहा कि गैर समाजी अनासिर की जानिब से लड़कियों को फांस कर जिंदगी से खिलवाड़ करने का इंकशाफ किया। साई प्रसन्न इक स्टडी एम चाव मन एक्स स्टडी इकड़ गटिप्मा बोधन ये कॉलेज विजय विजेता कॉलेज एम स्टडी इपड़े ये क्लास MPC सेकंड इयरा इपड़ेरम्मा इकड़ा निजामाबाद को गवर्नमेंट हास्पल दुनारम्मा स्टमक पेन दुनारा इक डेलीवरी इट डेलीवरी का एट माला బేబీ కింద పడిపోయింది ఎక్కడ బేబీ కింద పడిపోయింది కిందనా ఎన్ని గంటలకు పడిపోయింది కింద 4:35 మధ్య వచ్చింది కడుపులోకి తగ్గింది సరే ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు బాబుది పరిస్థితి ఎంత, కండిషన్ ఏమి సార్? చనిపోయాడు సార్.
वबाई मौसमी अमराज के तदारुक के लिए तमाम मौजूदात में महकमे सेहत के अहदेदारान घर घर सर्वे मुनाकिद करने का जिले कामरेडी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने किया इंकशाफ। जिले कामरेडी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बांसवाड़ा आरडीओ दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत महकमे सेहत के अहदेदारान से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि तमाम मौजूदात में तिब्बी कैंप का क्याम अमल में लाकर वबाई व मौसमी अमराज पर काबू पाने की हिदायत देते हुए बताया कि जिले में PVC इम्यूनाइजेशन 68% मुकम्मल होने की बिना पर इसे 100% मुकम्मल करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी मराकज में आंगनबाड़ी डे का यकीनी तौर पर मुनाकिद करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली एरगटला मंडल मौजे नागेंद्रा नगर में मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड ने वबाई मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली एरगटला मंडल मौजे नागेंद्रा नगर में सरपंच मंजुला बालाजी गौड ने मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए कबल अज वक्त एहतियाती इकदाम के तहत गवर्नमेंट डायरेक्टर्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स के जरिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर्स रानी ANM सुमलता श्यामिला आशा वर्कर्स सरस्वती लक्ष्मी लता शोभा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम को वबाई व मौसमी अमराज के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि मौसमी साथ के पेश नजर जमा पानी के जखीरे में मच्छरों के अफजाइश को रोकने के लिए ऑयल बॉल्स डालते हुए हर रोज अपने मकानात के ट्रैफिक नाफ के माहौल की सफाई करते हुए गंदी नालियों और खाली मुकामात में नाकारा झाड़ियों और प्लास्टिक के फाजिल मादों की सफाई करते हुए वबाई मौसमी अमराज पर काबू पाने का इंकशाफ किया। तमाम जियोस अंदरून 24 घंटे वेबसाइट पर पेश किए जाए, हुकूमत को तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। दलित बंधु स्कीम पर मुकदमे की समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दलित बंधु स्कीम के गाइडलाइंस से मुतालिक जारी करदा जियो को अंदरून 24 घंटे वेबसाइट पर पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि जो भी जियो जारी किया जाता है वो अंदरून 24 घंटे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि अवाम के लिए दस्तियाब हो। दलित बंधु स्कीम के खिलाफ दायर करदा मफादयामा की दरख्वास्त के चीफ जस्टिस हेमा कोयली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच पर समाप्त हुई। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि हुकूमत गाइडलाइंस की ट्राई के बगैर ही स्कीम पर अमल कर रही है और जिला कलेक्टर्स को बजट जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने रहनुमाना खतूत जारी कर दिए और इस सिलसिले में जियो जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हर दलित खानदान को स्कीम के दायरे में शामिल किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस का जियो वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि सरकारी अहकामात अवाम के लिए दस्तियाब रखने में क्या रुकावट है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के दलाइल का नोट लिया और दलित बंधु स्कीम पर समाअत मुकम्मल कर दिया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि तमाम जियो सिजराई के 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। SSC कामयाब लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स। मरकजी हुकूमत की जानिब से SSC इम्तिहान में 55% से ज्यादा निशानात से कामयाब मुस्लिम लड़कियों के लिए सालाना 12,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एजुकेशन फंड से दिए जाते हैं। ताहम मालूमात ना होने की वजह से मुस्लिम लड़कियां इस स्कीम से महरूम है। SSC में कामयाब मुस्लिम लड़कियां इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब है, जिनका मुशाहिदा करते हुए इस्तीफादा कर सकते हैं। SSC में 55% से ज्यादा निशानात हासिल करने वाली लड़कियां अहल है। डेंगू की रोकथाम के लिए साइंसदानों की अहम तरीन पेशरफ्त। डेंगू बुखार दुनिया भर में मच्छरों से सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज है और इसकी रोकथाम के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। एक बड़े क्लिनिक ट्रायल में वायरस से लड़ने वाले बैक्टीरिया की मदद से डेंगू के केसेस की रोकथाम में 77% तक कमी लाने में कामयाबी हासिल की गई है। तिब्बी जरीदे दी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शायद तहकीक में बताया गया कि ये बैक्टीरिया जो मुतहद हशरात अलारिस में पाया जाता है और इनको अमराज फैलने से रोकता है, मगर ये कुदरती तौर पर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों में नहीं पाया जाता। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम की इस तहकीक में इंडोनेशिया के एक शहर योग्यार्ता में क्लिनिक ट्रायल किया गया, जहां डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा था। ट्रायल में बैक्टीरिया से मुतासिर मच्छरों की अफजाइश 2017 में 9 माह तक की गई और फिर आधे शहर में इनको छोड़ दिया गया। ट्रायल के दौरान वहां डेंगू बुखार के केसेस की शरह में 77% कमी आई, जबकि हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों की तादाद 86% तक घट
गई। ट्रायल में कामयाबी के बाद मच्छरों को पहले पूरे शहर और फिर गिर्द व नोहा के इलाकों में छोड़ा गया। मौकिन ने बताया कि ये इस इंडोनेशियन शहर के रिहायशियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में हर साल डेंगू के 70 लाख से ज्यादा केसेस सामने आते हैं और ट्रायल की कामयाबी से हमने अपना काम पूरे शहर और नोहा इलाकों तक फैलाया। मुस्तकबिल में इंडोनेशियन शहर डेंगू से पाक हो जाएंगे। कीड़ों को कंट्रोल करने के दीगर तरीकों के बरक इस हिकमत अमली के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती बल्कि इनके असरात तवील मियाद होते हैं। मौकिन का कहना था कि नताइज डेंगू को कंट्रोल करने के लिए पुरजोश पेशरफ्त है जिससे हर साल दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा अफराद बीमार होते हैं। इन्होंने कहा कि इस महफूज देरपा और मौसर तरीक़ेकार की आलमी बरदारी को जरूरत है जबकि इस तरीक़ेकार को मच्छरों के दीगर अमराज की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुवैत के लिए हिंदुस्तान की परवाजें बहाल। कुवैत ने पाकिस्तान व इंडिया समेत मुतहद मुल्कों के लिए तिजारती परवाजें बहाल करने का फैसला किया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी कोना के मुताबिक कुवैती काबीना ने इजलास में हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र के लिए तिजारती परवाजों पर पाबंदी उठाने का फैसला किया है। ट्विटर पर हुकूमत ने कहा है कि मस्कुरा ममालिक से परवाजों की बहाली कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी की हिदायत के मुताबिक होगी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन मुस्तखर पर एक दर्दनाक वाकया पेश आया। कचरे के ढेर में नामोलूद बच्चा दस्तियाब होने की बिना पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में जेर इलाज नामोलूद बच्चा हुआ फौत। कैन टीवी से शुरू होने वाला केबल का मैदान बदलते वक्त के साथ मुकाबला करते हुए डिजिटलाइजेशन की सतह पर पहुंचकर तरक्की की जानिब गामजान होकर सामाइन को की अपनी जानिब मुतवज्जे। केबल ऑपरेटर्स की मौके पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में राखी त्यौहार तकरीब के पेश नजर खातून मुलाजमी ने कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा को राखी बांधकर दी पुरखलूस मुबारकबाद। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुक्काल मंडल में ग्राम पंचायत इमारत पर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप का मुशाहिदा करते हुए लिया जायजा। अखलती अकामती कॉलेज व स्कूल में एंटी माइनॉरिटी साजिश। जूनियर लेक्चरर्स की 840 जायदादों पर तखर्रात में अखलती उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए। अंग्रेजी के सवालिया पर्चे में तेलुगु में जवाबात के बावजूद आला निशानात, अखलती उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी। सैयद खैसर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।